हेलो दोस्तों, बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों, एक वीडियो जो है आपका गेम चेंजर हो सकता है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 100+ स्कोर कैसे करना है उसके बारे में आपको एक डिटेल फैक्ट बताने वाला हूँ। जो भी 2019 में जो मेरे स्टूडेंट जो मेरे क्लासरूम से और जो भी मेरे स्टूडेंट जानने वाले थे वो एसबीआई में जॉब लिए, उनसे मैंने बात करके और बहुत सारे चीज़ों को डिस्कशन करके इसमें एक कंप्लीट आपको वीडियो बनाया हूँ, जिससे आप 100% आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेस ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए अच्छा से, और इसमें आप सबके लिए काफ़ी अच्छा एक सरप्राइज़ भी मैं लाया हूँ। आपको काफ़ी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा और 2020 में आप एसबीआई जूनियर एसोसिएट में आप नौकरी 100% आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी फैक्ट है उसमें बताऊंगा कि आपको कैसे स्कोर करना है और आपको कौन से एरिया पर आपको अभी ज़्यादा फोकस करना है। अभी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको इसमें क्या करना है। एक्चुअली अभी जो टाइम है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोस्तों आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सर टेस्ट कहाँ से दिया जाए, तो मैं आप सबके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट का आपको जो मॉक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है उसका मैंने आपको लिंक दिया हूँ। एसबीआई क्लर्क मेन के लिए फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक है, आप जा करके उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो। आप देखते हो जो स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं वो 2-3 टेस्ट के बारे में रिकमेंड करते हैं, उसमें से एक प्रैक्टिस मॉक भी है। एक काफ़ी अच्छा क्वालिटी का एक बेस्ट कंटेंट है, मैं खुद उसको देखा हूँ। आप जा करके उस मॉक को फ्री में लगाइए, आपका कितना मार्क्स आता है आप ज़रूर अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपने उसमें कितना स्कोर किया। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें 100+ स्कोर कैसे करना है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, 100+ स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से आपका जो भी अभी प्रैक्टिस हुआ है और भी आगे अच्छा प्रैक्टिस करके आप स्कोर कर सकते हो। सबसे इसमें आपको मैं मेन का जो पेपर का जो पैटर्न है उसको यहाँ पर लिया हूँ, उसी में हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे नंबर 1 पर जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपके सक्सेस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, काफ़ी क्रूशियल रोल है आपका। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्रूशियल रोल है, आपको यही सिलेक्शन दिला सकता है। 50 क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का होता है दोस्तों। जनरली बहुत सारे स्टेट की बात करें तो 85, 89, 90 ही कट ऑफ होता है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह या और भी कुछ स्टेट का कट ऑफ काफ़ी कम होता है, 90 से नीचे ही होता है। और भी जो स्टेट होते हैं उसके 100 से ज़्यादा होता है। तो मैं एक आपको 100+ स्कोर कैसे करना है उसके स्ट्रेटजी हम बात कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए, आपको 50 में से आपको 35 कैसे स्कोर करना है, उसके लिए मैं आप सभी को एक गुड क्वालिटी का PDF का मैं लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ। मेरे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट उसको परचेज करके और उसको ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उनको जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें उनको मैं गाइड करता हूँ। और आगे इसमें देख लो, आपने जो भी स्टूडेंट परचेज कर लिया होगा आप सबको मैं टाइम टू टाइम गाइड कर रहा हूँ। और इसमें एक उन्होंने पॉकेट PDF भी इंट्रोड्यूस किया है, तो आप इसको जा करके नहीं परचेज की हो तो ले लो पॉकेट PDF, पढ़ो, आपको वहाँ से 100% 35+ आपका स्कोर हो जाएगा। और उसका ज़्यादा लेंथ भी नहीं है, 70-80 पेज के आसपास में उसका लेंथ है, तो आप उसको जाके पढ़ो। अब देखो दोस्तों, यहाँ से आपको 35+ स्कोर करना है, सिर्फ 35 करना है। इंग्लिश की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश जो होता है वीक होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा होता है। तो जिन स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा है उनको 20+ स्कोर करने की कोशिश करना है, जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है उनको 20 कैसे भी उनको लाना है, यानी यहाँ आपको 20 नंबर लाना है। आपको डेली आपको रीडिंग करना है, क्विज करना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। देखो दोस्तों, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपका मिसलेनियस टॉपिक से आपका DI बनेगा। आपको जितने सारे जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर 2 ईयर्स का जो DI का जो पैटर्न आया है उसको आप कर लो, और ये जो प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट लगाओगे तो एकदम पैटर्न बेसिस पर है वो, आपको उसमें आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का DI पूछता है, किस टाइप का अर्थमेटिक से क्वेश्चन आता है, आपका अप्रोक्सीमेशन भी आता है क्या, नंबर सीरीज भी आता है, वो सब चीज़ें आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक पैटर्न बेस्ड वो टेस्ट है, आप उसको जरूर लगाओ, फ्री में है, आपको लगाने में कोई दिक्कत है भी नहीं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की, सॉरी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी की। देखो, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर अच्छा स्कोर किया जा सकता है। 50 देखो, 50 क्वेश्चन होता है, 60 मार्क्स का होता है। अब यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पजल की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पजल की प्रैक्टिस करनी है। वहाँ से आपको क्वेश्चन, आप पजल की प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से
25 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। 25 आपको सोचना है, आपको 60 में से सिर्फ आपको 25 प्लस सोचना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 35-30 भी स्कोर करना है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट उसकी बात करें 25 स्कोर करना है। और मैथ में आपको 20 स्कोर करना है दोस्तों। 20 से 25 आपने मैथ में कर लिया, 25-30 आपने रीजनिंग में कर लिया, इंग्लिश में आपने 20 कर लिया और जनरल अवर्स में 35 कर लिया, यानी 100 प्लस आपके स्कोर हो गए। अब दोस्तों ये 100 प्लस स्कोर कैसे करोगे, तो आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का फरवरी से पढ़ना शुरू करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक पढ़ते रहो। इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करो, डेली क्विज लगाओ और टेस्ट लगाओ, उसमें जितने सारे आपके क्वेश्चन कितना हुए कितना नहीं हुए वो सब एनालिसिस करो और उसमें आपको एक समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से वीक एरिया है। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड का वैसा ही करो और रीजनिंग का भी वैसा ही करो, यानी जहां आपने कम नंबर लाया उसको एनालिसिस करो और फिर उसको करो, तो उस टेस्ट से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप उसको जा करके फ्री में टेस्ट लगाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। आई होप आपने ऐसा किया तो आपका 2020 में SBI जूनियर एसोसिएट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसमें आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसमें कमेंट करके आपका कोई भी डाउट है तो मुझे पूछिए, आपको मैं हमेशा गाइड कर रहा हूँ। जो भी आप में से जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं करंट अफेयर्स लेकर के सभी टॉपिक के लिए मैं हमेशा गाइड कर रहा हूँ आप लोग को। आपको भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपका जरूर आंसर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।